डियर स्टूडेंट्स, ज्ञानदूत 2.0 सेशन में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर आशीष गर्ग, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, सेठ आर.एन. रुइया गवर्नमेंट कॉलेज, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, आज के सेशन में हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बीएससी पार्ट थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंडोल के सिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। मैंने इससे पिछले पार्ट में, पार्ट 14 में, इंडोल के दो सिंथेसिस, फिशर इंडोल सिंथेसिस और रिसर्च सिंथेसिस के बारे में बताया था, किस तरह से इंडोल का फॉर्मेशन होता है और इन दोनों संश्लेषण की मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, क्रियाविधि किस प्रकार होती है। तो बच्चों, हम यहां देखते हैं नेक्स्ट सिंथेसिस, मेडलुंग संश्लेषण। वैसे मैं आपको बता दूं कि कॉमनली जो इंडोल के प्रमुख संश्लेषण हैं, उनमें फिशर इंडोल संश्लेषण, रिसर्च सिंथेसिस और मेडलुंग सिंथेसिस, ये तीन सिंथेसिस इसमें मेन हैं। बच्चों, यहां पर मेडलुंग सिंथेसिस में यूज किया है एन फॉर्माइल ऑर्थो टोल्यूडीन। बच्चों, दिस इज द टोल्यूडीन। ये फॉर्मूला होता है, दिस इज द टोल्यूडीन, राइट। और यहां पर इस जगह पर नाइट्रोजन पर फॉर्माइल ग्रुप, CHO ग्रुप, सो दिस इज द एन फॉर्माइल ऑर्थो टोल्यूडीन, दिस इज राइट टोलुइन, दिस इज द टोलुइन, राइट, दिस इज NH2, दिस इज द टोल्यूडीन और इसके ऑर्थो पोजिशन पर एन फॉर्माइल, राइट। तो ये इसका हमें कहना चाहिए स्टार्टिंग मटेरियल वी यूज इन द सिंथेसिस, एन फॉर्माइल ऑर्थो टोल्यूडीन। एंड वी यूज बेस, यहां कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज करते हैं, दिस इज पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। देखिए, ये यहां दिस इज टर्शियरी ब्यूट, दिस इज लाइक दिस, हम लिखते हैं दिस इज द टर्शियरी एल्कोहल, राइट, दिस इज द टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल, राइट। यहां राइट ये है बच्चों, देखिए मैंने लिखा है यहां पर CH3 होल थ्राइस COK, ये मैंने यहां पर लिखा है। तो वी यूज एज ए कैटलिस्ट, वी यूज बेस एज ए कैटलिस्ट, दिस इज द कैटलिस्ट, है ना। कुछ बुक्स के अंदर सोडियम एथॉक्साइड भी काम में लिया हुआ है, तो वो भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो इसकी जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है IL फिनार, उसके अंदर इसको यूज किया हुआ है, राइट। तो बच्चों, यहां पर ये टर्शियरी ब्यूटिल एल्कोहल और इसका एल्कोक्साइड, पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, वी यूज पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड को हम कैटलिस्ट यूज करते हैं। क्या होता है रिएक्शन में, जैसा मैंने आपको बताया, एन फॉर्माइल ऑर्थो टोल्यूडीन का साइक्लाइजेशन होता है पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में और फॉर्मेशन होता है इंडोल का। बच्चों, यहां रिएक्शन किस तरह होती है, देखिए, ये बेस राइट, यू नो, यहां पर फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनियन लाइक दिस, ये बेस क्या करेगा, ये कैटलिस्ट ब्यूटॉक्साइड, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, इट रिमूव्स H+, ये फॉर्मेशन हो गया,
दिस इज सी एच थ्री होल थ्राइस सी ओ ओ एच. बच्चों दिस इज व्हाट, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं सी एच थ्री होल थ्राइस सी ओ एच इस तरह से, राइट. इसका फॉर्मेशन होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनियन. अब यहां पर नेक्स्ट स्टेप में साइक्लाइजेशन होता है. क्या हो रहा है, ऑब्वियसली दिस कार्बोनाइल ग्रुप, राइट, यहां पर कार्बन इज पार्शियली पॉजिटिव एंड दिस ऑक्सीजन इज पार्शियली नेगेटिव. सो व्हाट, दिस इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर. नाउ दिस कार्बेनियन अटैक्स हियर. तो यहां पर बच्चों साइक्लाइजेशन होता है और ये जो एच होता है इट कम्स हियर, राइट. इन द नेक्स्ट स्टेप बच्चों यहां इस तरह से रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और यहां पर इंडोल का फॉर्मेशन होता है. तो जैसा मैंने आपको कहा था मेडुलिन सिंथेसिस में ये हम केमिकल्स यूज करते हैं एन फॉर्माइल ऑर्थोटोलिडिन विथ पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, राइट. और ये इस तरह से रिएक्शन होती है, इंडोल का फॉर्मेशन होता है एंड दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, किस प्रकार से यहां पर इंडोल का फॉर्मेशन होता है. अब हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में. तो मेन प्रॉपर्टीज में इंडोल इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड और इसका मेल्टिंग पॉइंट गलनांक होता है 52 डिग्री सेंटीग्रेड. नाउ वन मोर थिंग, टेस्ट ऑफ द इंडोल. बच्चों इंडोल का सिंथेसिस मैंने मेरे रिसर्च में किया था प्रयोगशाला में, तो यहां पर HCl की प्रेजेंस में और अल्कोहल की प्रेजेंस में रेड कलर आता है. तो यहां पर मैंने आपको लिखा है कि HCl अल्कोहल से भीगी हुई छड़ इंडोल में लगाने पर रेड पीपीटी और रेड कलर आता है. सो दिस इज द टेस्ट ऑफ इंडोल, ये इंपॉर्टेंट है. अब हम यहां पर देखेंगे किस तरह से इंडोल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जो कि मेन रिएक्शंस हैं इंडोल की, बच्चों यहां पर इंडोल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तीन पोजीशन पर होता है. देखो बच्चों यहां पर 1, 2 एंड 3, तो दिस इज द थर्ड पोजीशन, राइट. तो तीन पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इसका तीन पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन होता है. तो क्यों होता है इसे हम देखते हैं यहां पर, क्योंकि तीन पोजीशन पर जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो जो ये इंटरमीडिएट बनता है ये स्टेबल होता है, राइट. यहां पर ये स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि ये जो रिंग है इसके साथ बेंजीन रिंग जिसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए ये स्टेबल होता है. तो मैंने यहां समझाया है कि तीन पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल के प्रतिस्थापन से बना इंटरमीडिएट अधिक स्थायी होता है. और बच्चों यहां पर ये बताया है कि दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर सो दैट ये इलेक्ट्रॉन न्यून इलेक्ट्रोफाइल इस जगह अटैक करता है, डेफिशिएंसी यहां पर आती है. लेकिन दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर तो नाइट्रोजन के ऊपर इस तरह से. और बच्चों यहां मैंने लिखा है स्टेबल, दिस इंटरमीडिएट आयन इज स्टेबल, ये मध्यवर्ती आयन स्थायी होता है क्योंकि यहां पर इसके एडजेसेंट जो बेंजीन रिंग होती है उस पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो बच्चों यहां पर इस मध्यवर्ती आयन का स्थायित्व, बेंजीन इस आयन का स्थायित्व बेंजीन रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण है जो कि डीलोकलाइज्ड. बच्चों दिस इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर, तो दिस शिफ्टेड हियर एंड दिस शिफ्टेड हियर, राइट. यहां पर
इस इंटरमीडिएट आयन में जो बेंजीन रिंग है जिसमें 6 pi इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये वी स्थानीकृत होते हैं, डीलोकलाइज्ड होते हैं, इसलिए ये स्ट्रक्चर यहां पर स्टेबल होता है। अब हम ये देखते हैं कि यदि 2 पोजीशन पे अटैक होता है तो देखिए ऑब्वियसली दिस इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर, तो ये इलेक्ट्रॉन न्यून इलेक्ट्रोफाइल यहां पर अटैक करेगा, राइट। नाउ फर्दर दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर एंड दीज शिफ्टेड हियर, तो बच्चों यहां पर इस आयन का फॉर्मेशन होगा जैसे यहां पर फॉर्मेशन हो रहा है, बट दिस इंटरमीडिएट आयन, ये कौन सा इंटरमीडिएट आयन है, जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक 2 पोजीशन पर होता है, राइट। तो ये इंटरमीडिएट आयन, दिस इज अनस्टेबल और दिस इज लेस स्टेबल। सो व्हाई इट इज लेस स्टेबल, क्योंकि यहां पर बच्चों ये जो बेंजीन रिंग होती है इसमें 6 pi सिस्टम, 6 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम नहीं होता, तो यहां पर बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन नहीं हो पाता, राइट। सो दैट हम ये कंक्लूड करते हैं कि इंडोल में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक 3 पोजीशन पर होता है, ना कि 2 पोजीशन पर। बच्चों 2 पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन से बना इंटरमीडिएट अस्थाई होता है, दिस इज अनस्टेबल, और क्योंकि इनमें बने मध्यवर्ती आयन की बेंजीन रिंग में 6 pi इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित नहीं होते हैं, राइट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में 1.5 marks का पूछते हैं। ये आपको लॉजिकली समझाना है कि इलेक्ट्रोफिलिक अटैक क्यों बेंजीन रिंग में 3 पोजीशन पर होगा, 2 पोजीशन पर नहीं होगा, राइट। तो बच्चों हमने देखा कि किस तरह से इंडोल के संश्लेषण हमने समझे, और इंडोल में इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस जो कि एरोमेटिसिटी का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंडोल एक एरोमेटिक यौगिक है और इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस हम कहते हैं वन कंपाउंड इट मस्ट शो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देना चाहिए, राइट। तो हमने प्रूव किया, यहां पर बताया कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस इंडोल देता है और इंडोल 3 पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है। अब हम देखते हैं बच्चों यहां पर ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ इंडोल। मैंने इससे पहले पिरिडीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, पिरोल फ्यूरेन थायोफीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बताए थे, क्योंकि एरोमेटिसिटी का एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी डीलोकलाइज्ड, राइट। यहां पर जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। देखो बेटा यहां पर हम देखते हैं, देखिए किस तरह से डीलोकलाइजेशन होता है, दिस इज द इंडोल, राइट। नाउ दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर, सो दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर, सो नेगेटिव चार्ज कम्स हियर, राइट। यहां पर बच्चों देखिए ये इलेक्ट्रॉन इधर आए हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर गए हैं, नाइट्रोजन के ऊपर धनावेश और यहां पर ऋणावेश। फर्दर दीज इलेक्ट्रॉन कम्स हियर, नाउ दीज कम्स हियर एंड नेगेटिव चार्ज कम्स हियर, दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर, सो लाइक दिस, राइट। इंडोल की नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम किस तरह लिखेंगे, देखिए दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर, सो दैट दीज शिफ्टेड हियर एंड दीज कम्स हियर, राइट। सो नेगेटिव चार्ज कम्स हियर। तो इस तरह से हम बताते हैं इंडोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। देखिए बच्चों मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंडोल, और इसकी जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको लिखना हो यहां पर देख करके, यू नो दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर, सो दीज इलेक्ट्रॉन कम्स हियर, राइट। नाइट्रोजन के ऊपर धनावेश और यहां पर ऋणा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। व्हेन दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर, सो दीज शिफ्टेड हियर एंड इट कम्स हियर, सो नेगेटिव चार्ज कम्स हियर, राइट। एंड फर्दर इन द नेक्स्ट स्ट्रक्चर यहां पर दीज इलेक्ट्रॉन कम्स हियर, दीज कम्स हियर एंड दीज शिफ्टेड हियर, सो द फॉर्मेशन ऑफ, बच्चों यहां पर
देखिए पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज द नेगेटिव चार्ज, ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इंडोल के फॉर्म होते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज देखिए, हम बात करते हैं हकल के नियम की, राइट। देखिए हम जब इंडोल की बात करते हैं, 2 pi इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ 8 pi इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और हम देखते क्या है, हकल का नियम क्या होता है, 4n प्लस 2 pi इलेक्ट्रॉन्स, राइट। यहां बच्चों देखिए, n बराबर 1 6 pi इलेक्ट्रॉन्स एंड n बराबर 2 10 pi इलेक्ट्रॉन्स, यानी 6 pi इलेक्ट्रॉन्स के बाद 10 pi इलेक्ट्रॉन्स, देन 14 pi इलेक्ट्रॉन्स। मैं एग्जांपल लिख देता हूं यहां पर इसका, दिस इज द लाइक दिस, दिस इज द नेफ्थलीन, राइट। एक बंजीन रिंग और लगा देते हैं हम, देन दिस इज द एंथ्रासीन, राइट। 14 pi इलेक्ट्रॉन्स, तो बच्चों यहां पर 2 pi 6 pi एंड 2 pi एंड 2 pi 4 pi इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 pi इलेक्ट्रॉन्स, राइट। और पिरोल भी ये कंडीशन किस तरह से फॉलो होती है, बेंजीन रिंग के 6 pi इलेक्ट्रॉन, पिरोल रिंग के 2 pi इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन पर उपस्थित इस तरह से, इस तरह से बच्चों, ये नाइट्रोजन के ऊपर उपस्थित युग्म इलेक्ट्रॉन, ये एरोमेटिक सिक्सेट का पार्ट होते हैं हकल का नियम का फॉलो करने के लिए, सो दैट इंडोल शोज एरोमेटिक बिहेवियर। तो इस सेशन में इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।